अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं और सारे लेटेस्ट अपडेट पाइए। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं अपना ज्ञान टीवी चैनल। तो गाइस इस वीडियो में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक बताने वाला हूं। अगर आप पबजी खेलते हो, अगर आप पबजी प्लेयर हो, तो गाइस ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो ये वीडियो आपको पूरा एंड तक फॉलो करना है। मैं जैसे सारे स्टेप बताऊंगा आपको, सारे स्टेप आपको पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करने हैं। बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हो और बहुत ही ईजी है, और एक ही ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आपका जो पबजी है वो 120 FPS जैसा एकदम स्मूथ चलने लगेगा और कोई भी फ्रेम ड्रॉप देखने आपको नहीं मिलेगा। गाइस जो ट्रिक बताने वाला हो, तो प्लीज़ ये वीडियो आपको पूरा एंड तक देखना है, पूरा लास्ट तक। अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपकी ये जो ट्रिक है वर्क करेगी, नहीं तो अगर आप आधे पे ही छोड़ोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो गाइस पूरा वीडियो एंड तक देखना है। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो पहले चैनल को कर दो सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद यूं घंटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और ऑल पे कर देना है। गाइस सब्सक्राइब करने के बाद आपको आपने तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, क्योंकि मैं जो ट्रिक बताने वाला होगा उसके बाद तो आप सब्सक्राइब कर ही दोगे। गाइस इसीलिए मैं अब भी आपको बोल रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब कर दो। गाइस सॉरी गाइस, मजाक कर रहा था। आप वीडियो देखने के बाद भी सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। तो गाइस मैं आपको जो हमारी ट्रिक है, जो बहुत लोगों को जो फ्रेम ड्रॉप देखने मिलते हैं जो पबजी में, बहुत लोग बोलते हैं कि भाई हमारा जो फ़ोन है 2GB 3GB 4GB उनका फ़ोन आता है, उनका फ़ोन जो बहुत लोगों का जिन जो ज़्यादा एक्सपेंसिव बाय नहीं कर सकते, उन्हीं सभी फ्रेंड्स के लिए, उन्हीं सभी भाई लोग के लिए ये वीडियो बनाया हूं गाइस, कि अगर आपको पबजी में 60 FPS या 120 FPS पे पबजी खेलना है तो आपको क्या ट्रिक करनी है और क्या स्टेप लेना है, तो मैं आपको क्लियर बता दूंगा गाइस। तो आपको सिंपली आपको सेटिंग के ऑप्शन में जाना है। सेटिंग के ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ सेटिंग में क्या लिखना है, क्लीनर गाइस, सिंपली क्लीनर लिखनी है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग क्लीनर लिखा, क्लीनर लिखने के बाद उसे उस पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से हमारा जो फ़ोन होगा उसमें जो एप्लीकेशन जो बैकग्राउंड में रन होती है वो क्लीन हो जाएगी। ठीक है, इसे हम लोग कर लेते हैं क्लीन। ठीक है, अभी हम लोग इसे कर लेते हैं फटाक से बैक कर लिया। बैक करने के बाद आपको सिंपल से जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप ये एक एप्लीकेशन जिसका नाम मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर इसे इस्तेमाल करोगे तो आपका जो पबजी का जो फ्रेम ड्रॉप देखने मिल रहा है आपको, वो कुछ भी नहीं देखने मिलेगा और जो भी लैग हो रहे हो वो सारे इस वीडियो में आपको सॉल्व हो जाएंगे। तो गाइस आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत लोगों ने वो एप्लीकेशन यूज़ भी की हुई है, बट उस एप्लीकेशन को कैसा यूज़ करते हैं आप बराबर सेट नहीं कर सकते। आपको जो मैं आपको बताने वाला हूँ जो सेटिंग आपको सेट करनी है, तो गाइस आपको सिंपली आपके पास GFX टूल होगा या नहीं होगा तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। और 2GB 3GB वाले जिनका रैम है उनके लिए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो होने वाली है। तो आपको GFX टूल ओपन करना है। GFX टूल में आपको ऊपर दिख रहा होगा 0.18 का अपडेट, जैसे अभी हमारा जो 0.18 का चल रहा है, आपको उस समय हो सकता है अगर जब आप ये वीडियो देख रहे हो गया हमारा 0.19 हो सकता है या 0.20 का अपडेट हो सकता है। तो आपको यहाँ नीचे रिजोल्यूशन का ऑप्शन दिख रहा है गाइस। ठीक है, रिजोल्यूशन के ऑप्शन में आपको 1024 आपको चॉइस कर लेना, और ग्राफिक आप स्मूथ HD कौन सा भी चॉइस कर सकते हैं। जैसे हम स्मूथ HDR पे कर लेते हैं, लेकिन आप चॉइस मत करना जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वो करना सिर्फ। और ये आपको यहाँ 60 FPS करना है, और 120 FPS हम बाद में करेंगे गाइस। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी हमारा ये हो गया, इसके बाद हमें जाना है कलर फॉर्मेट में। कलर फॉर्मेट में आपको 64 बिट करना है। ये सब जो मैं बता रहा हूँ स्टेप, आप बहुत से लोग ये सब स्टेप करते नहीं हो, इसके लिए आपका जो पबजी है वो थोड़ा लैग चलता है और फ्रेम ड्रॉप देखने मिलते हैं। और GPU ऑप्टिमाइज़ तो ज़रूर कर लेना गाइस, GPU ऑप्टिमाइज़ आपको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आपको साउंड क्वालिटी पूछेगा, हाई अल्ट्रा जो भी कर सकते हो आप, जैसे अभी मैं हाई किया। ठीक है, और इसमें आपको स्टाइल जो पूछ रहा है ये आपको कलरफुल कर देना है। बहुत लोग को रियलिस्टिक पसंद होता है, बहुत लोग को नॉर्मली खेलना पसंद होता है, तो आप कलरफुल कर सकते हो, जैसे मुझे इंटरेस्टिंग ज़्यादा लगता है कलरफुल। तो गाइज़ अगर आपको 120 FPS पे खेलना है तो ये चीज़ बस कीजिए। जैसे अभी हमने गेम वर्जन क्लिक कर लिया, ठीक है, अभी मैं आपको करता हूँ और इसे हम लोग कर लेते हैं एक्सेप्ट और रन गेम कर देते हैं। तो गाइज अभी मैं रन गेम कर दिया हूँ। ठीक है, तो गाइज ये देख सकते हो हमारा जो पबजी गेम है वो स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट तो अभी मैं पबजी तो खेलूँगा नहीं गाइज, तो मैं आपको जो बात क्लियर करने वाला था, जो आपको फ्रेम ड्रॉप देखने मिल रहे थे जो आपको पबजी से खेलते वक्त, वो आपको कुछ भी देखने नहीं मिलेंगे। आप पूरा 120 फ्रेम ड्रॉप पे एकदम इजीली और आसानी से खेल सकते हो गाइस। अगर ये ट्रिक पूरी अगर आपने देखी होगी, स्टेप बाय स्टेप समझा होगा हमारे GFX टूल में कैसी सेटिंग करनी पड़ती हो, अगर वो आप समझ गए रहेंगे क्लियरली, तो आपको कोई डाउट नहीं आने वाला है और जो आपका पबजी है वो एकदम स्मूथ चलने वाला है, कोई भी लैग देखने नहीं मिलेगा गाइस। अगर ये अगर
पबजी की ट्रिक आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना इस वीडियो को। अगर आपको और भी पबजी से रिलेटेड कोई भी ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और आपके कोई सवाल और सुझाव हो तो पूछ सकते हो। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।